संसार में चलते हुए सत्य में जाना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, लेकिन कर्म कैसे कर रहे हो? जो कर्म कोई नहीं देखता, ना भगवान देखता है, ना कैमरा लगा हुआ है, कोई नहीं देखता है। हर एक के किए कर्म अपने अंदर भरता है, उसी को कहते हैं अंत में यमराज आया। यमराज कौन आएगा? धर्मराज कौन है? कोई नहीं। अपने किए हुए कर्म उसके सामने भूत के रूप में आते हैं, डराते, देखो आपने ये कर्म किया, आपने ये कर्म किया, अंदर भरा हुआ है, उसी से मनुष्य डरता है। फिर अंत मती सोगति। तो क्या करना चाहिए अभी से? क्या करना चाहिए? कर्म पर ध्यान दे दो। कर्म खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, स्नान करते हो, घर में झाड़ू लगाते हो, संसार में रहो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम करो, दुकान में काम करो, नौकरी करो, सब कुछ कर्म करो, कोई छोड़ना नहीं। कर्मों से संन्यास नहीं, लेकिन संन्यास किससे? अपने गलत विचारों से, अच्छे विचार धारण करो। कोई कोई मौन रखते हैं, मुख का मौन रखते हैं, क्या फायदा? मन में गलत विचार चलते हैं, मुख का मौन रखे क्या फायदा? कुछ फायदा है? मन से नहीं, मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन मन तो बोलता है ना। मन जो बोल रहा है मुख से बाहर निकालने दे, लेकिन मन तो बोल रहा है। मन का मौन चाहिए। मन में आज कोई भी देहधारी का विचार नहीं करूंगा, ये व्रत चाहिए। मनुष्य स्थूल चीजें करते हैं, मुख से आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पिएंगे, मुख से बोलेंगे नहीं, क्या फायदा? मुख से नहीं बोले, मन तो बोल रहा है। तो मौन व्रत किसका? स्थूल नहीं है, भक्ति वाला है। मन का मौन का, मन का मौन है ना, मन गलत विचार न करे, बाबा का ज्ञान का चिंतन करे, किसको भी मिले ज्ञान का ही सुनाए, इधर उधर की बातें मुझे नहीं सुनाना, पता होते हुए ये व्रत है। हम दूसरी चीज नहीं बोलते हैं, व्यर्थ बातें नहीं बोलते हैं, व्यर्थ बातें सोचते नहीं है, इसको कहते हैं मौन।